गोड्डा के समाज सेवी और नेता अशोक कुमार सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। रांची में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मौजूदगी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वे भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर अशोक सिंह ने कहा कि वे पीएम मोदी की विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा नेताओं मार्गदर्शन में वे तटस्थ सिपाही के तौर पर काम करेंगे। अशोक कुमार सिंह महगामा से 2 बार बसपा और जेवीएम विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि आज भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए हैं और देश में जो अभी मोदी जी विकास की धारा को पूरे देश में ला रहे हैं और विश्व में जो अपने देश का मान सम्मान बढ़ाए हुए हैं उनके विचारधारा से प्रभावित होकर और आज की जो झारखंड की स्थिति है, जो झारखंड सरकार वर्तमान में है, उनके लूट खसोट की जो परंपरा है, जो खनिज पदार्थ की लूट हो रही है संथाल परगना में, गरीब गुरुवा का जो हक को दरकिनार करते हुए उसको लूटा जा रहा है, इस सारे तथ्यों को देखते हुए आज भाजपा में सदस्यता ग्रहण करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार, आकर्षण और उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बढ़ता जुड़ाव, ये इस बात का प्रतीत है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता, आम जनता को लाभ मिला है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक चीज़ों पर के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। इसके चलते भी बहुत तेज़ी से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने के कारण काफ़ी तेज़ी से नए लोग पार्टी में आए हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राज्य की सरकार के अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।